जय श्री राम। स्वागत आप सभी का नए ब्लॉग में। भाई आज के ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं NH 152D चंडीगढ़ से नारनौल बहुत जबरदस्त हाईवे है भाई। अभी हम एंट्री कर रहे हैं NH 152D हाईवे में। ये मैं चरखी दादरी जो एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है वहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ जो टूल लगेगा उसके बारे में बताएंगे और कैसा हाईवे है उसके बारे में बताएंगे। ये हाईवे कितना लंबा चौड़ा है वो भी बताएंगे आपको और इस हाईवे की कुछ ऐसी खास बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ किसी ने ये भी बताया है कि ये लूट की दुकान है, किसी ने ये भी बताया कि टूल ज़्यादा वसूला जाता है, किसी ने ये भी बताया कि इस पर जाना नहीं चाहिए, किन गाड़ियों की एंट्री है और किन गाड़ियों की एंट्री नहीं है, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो भाई वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और ऐसी विशेष जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे चैनल के माध्यम से और आपको हमारे इस ब्लॉग में मिलेगी। तो देखिए अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल हाईवे में एंट्री हो चुकी है और ये 152D एक्सप्रेस वे, ये देखिए कितना साफ सुथरा और ज़मीन से ऊंचा, चारों ओर से बंद, कोई जंगली जानवर का खतरा नहीं। यहाँ स्पीड लिमिट भी दी गई है, यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। विशेष जानकारी है कि बाइक, ट्रैक्टर, ऊँट गाड़ी और इत्यादि जैसे तीन पहिया जो भी हो गया, जो कम स्पीड के व्हीकल हैं वो इसमें अलाउड नहीं हैं। आप बिल्कुल भी ध्यान करना, अलाउड नहीं होता है। 170 किलोमीटर का ये चंडीगढ़ से नारनौल तक, पहले चंडीगढ़ से नारनौल तक आपको करीब 7-8 घंटे लग जाते थे, 12-10 घंटे भी लग जाते थे क्योंकि भाई ट्रैफिक हो जाए, टूटे फूटे रोड, गाड़ी परेशानी, सवारियों में परेशानी, बहुत सारी ऐसी समस्या आती थी, आदमी जो है परेशान हो जाता था सफर में। लेकिन अब चंडीगढ़ से नारनौल आपको मात्र 4 घंटे में पहुँचाएगा ये हाईवे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हाईवे है जो शुरू हो चुका है, आप सब जानते हैं और आप इसमें आ भी चुके हैं। तो मैं विशेष ये बात बताता हूँ, देखिए सबसे पहले ये है, आपको 100 से ऊपर स्पीड को नहीं रखना है और 40 से नीचे स्पीड को नहीं रखना है। अगर 40 से नीचे स्पीड पे रखोगे तो भी आपका चालान कटेगा और 100 से ऊपर स्पीड पे रखोगे तो भी आपका चालान कटेगा, ये जानकारी शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो जैसे जैसे आगे हाईवे बढ़ता है आपको किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे कैमरे भी जगह जगह पे लगाए गए हैं, आपकी स्पीड जो है कंट्रोल की जाती है। अब देखिए मैं थोड़ी देर के लिए चढ़ा था, अब मैं एग्जिट ले रहा हूँ, एग्जिट लेने के बाद भी यहाँ पे देखिए टूल कट जाता है और ऑटोमेटिक अगर आप फास्ट टैग नहीं लगाओगे तो आपका डबल टूल कटेगा। तो मैंने एग्जिट लिया है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पर, ये देखिए एक साइड रेवाड़ी और इस साइड महेंद्रगढ़, मुझे महेंद्रगढ़ की साइड जाना है। तो देखिए मैंने आपको ये जानकारी दी है 152D एक्सप्रेसवे NHAI जो है हमारे हरियाणा में भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे प्रदान कर रही है जो हमारे संसाधनों में वृद्धि होगी, हमें सुख सुविधा प्राप्त होगी। टूल मात्र 35 रुपये कटा है भाई, 35 रुपये टूल। और अगर वापसी जाएंगे 24 घंटे के अंदर अगर दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं तो 20 रुपये आपके मात्र कटेंगे। तो भाई जो कोई ये बता रहा था कि ये लूट की दुकान है तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई लूट की दुकान नहीं है भाई। अगर सुविधा चाहिए तो पैसे भी देने पड़ेंगे, लेकिन सरकार बहुत ही कम पैसे ले रही है। तो यार इतना पेट्रोल बच रहा है, समय बच रहा है और एक्सीडेंट का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे हाईवे पर इतना सस्ता, तो भाई मैं तो सरकार की तारीफ़ करना चाहूँगा और जो लोग सरकार के ख़िलाफ़ हैं उनके लिए एक सबक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के बहुत सारे हाईवे के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।